हेलो फ्रेंड्स, मुझे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से करना है। तो उसका फॉर्मेट होता है, सपोज मुझे 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। आपका जो आंसर है उसका भी ऑर्डर आपको 2 रो 2 कॉलम मिलेगा और उसका आंसर आपको -11 2 -16 2 आपको आंसर मिल जाता है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है ये हम देख लिया है। जैसे ही मैं कैलकुलेटर को ऑन करता हूँ, यहाँ पर आपको डी का साइन दिखता है, यानी कि आपका ये नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए फॉर्मेट होता है। अभी मुझे यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको मैट्रिक्स मोड ओपन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मोड का बटन प्रेस करता हूँ, तो मुझे ये मेनू ओपन हो जाता है। यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स मेनू पे ऑन करना पड़ेगा। तो मैं 6 की प्रेस करता हूं, 6 की प्रेस किया। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके कैलकुलेटर में आप 3 मैट्रिक्स एट ए टाइम सेव कर सकते हो, अलग अलग डायमेंशन के। तो अगर ये मेनू नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मेन मेरा टारगेट होता है यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ये मोड ओपन हो जाना चाहिए। मैट्रिक्स मोड ओपन हो गया, यानी कि आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो मैट्रिक्स मोड में ओपन हो जाएगा। अभी मुझे मैट्रिक्स सेव करने हैं। मैट्रिक्स सेव करने के लिए तो मुझे मैट्रिक्स का मेनू फिर से ओपन करना है। तो अभी मैट्रिक्स का सब मेनू के लिए मुझे शिफ्ट और 4 के नीचे आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, तो 4 बटन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर ये सारे मेनू ओपन हो जाएंगे। अभी मुझे 3 मैट्रिक्स सेव करने हैं या 2 मैट्रिक्स आपको सेव करने हैं, तो उसका डायमेंशन क्या रहेगा? 2x2 का मैट्रिक्स होगा, 2x3 का मैट्रिक्स होगा या कैसे मैट्रिक्स है? तो 1 पे मैं बात करूंगा और डायमेंशन सेट करूंगा। तो 1 बात किया, अभी मुझे 3 मैट्रिक्स में कौन से मैट्रिक्स में आपका डेटा सेट करना है या डायमेंशन सेट करना है? तो मुझे पहले मैट्रिक्स का डायमेंशन सेट करना है, तो मैं 1 पे जाता हूं, वो डेटा आपका ए में आपका सेव हो जाएगा। अभी इसका डायमेंशन क्या है? मुझे डायमेंशन चाहिए, 2x2 का मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मैं बात करता हूँ 5 ऑप्शन। तो 5 ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, तो मुझे ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अभी इसमें मैं आपके नंबर पैड से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वैल्यू टाइप करने के बाद इक्वल टू प्रेस करो, तो आप नेक्स्ट नंबर को सेट कर सकते हो। तो मेरा नंबर है 1 equal to 3 equal to 2 equal to 5 equal to, सब मैंने डेटा सेट कर लिया। मुझे किसी को चेंज करना है, कोई वैल्यू चेंज करना है, तो एरो की से आप मूव कर सकते हो, उसका वैल्यू चेंज करो और फिर से इक्वल टू प्रेस करो। लेकिन मुझे चेंज नहीं करना है, मैं एसी बटन प्रेस करता हूं, मेरा पहला मैट्रिक्स सेव हो गया। अभी मुझे सेकंड मैट्रिक्स को सेट करना है, तो फिर से मैं शिफ्ट और 4 पे जाता हूं, सेकंड मैट्रिक्स का डायमेंशन पे जाओ, यानी कि मैं डायमेंशन 1 प्रेस करता हूं। मुझे सेकंड मैट्रिक्स का डायमेंशन सेट करना है, तो 2 प्रेस करता हूं। अभी इसका फिर से डायमेंशन मुझे 2x2 रखना है, तो मैं 5 प्रेस करता हूं। इसका डायमेंशन, बी मैट्रिक्स का डायमेंशन मुझे सेट करना है, तो बी मैट्रिक्स का वैल्यू मैं सेट करता हूं 7 equal to -4 equal to -6 equal to 2 equal to, सब डेटा आपका सेव हो गया। फिर से एसी बटन प्रेस करता हूं। अब ये 2 मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। मेरा डेटा था मैट ए और मैट बी में, तो उनका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी तो शिफ्ट 4, मैट ए और मैट बी में अभी मेरा डेटा सेव है। तो मैट ए आपका 3 नंबर पे, तो 3 आ गया। मैंने बात किया, यहां पर एसी मत प्रेस करो, एसी प्रेस किया तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। सपोज मेरा एसी प्रेस हो गया, तो फिर से मैं टाइप करता हूं, मैट्रिक्स तो सेव है लेकिन ये कैलकुलेशन मुझे करना है, तो फिर से शिफ्ट 4, 3 पे मेरा मैट्रिक्स है, तो 3 इंटू शिफ्ट 4, मैट्रिक्स भी 4 में है, तो 4 मैट ए इंटू मैट बी। ऐसे अगर आपने मैट सी में डेटा डाला है तो वैसे आप कर सकते हो, जो भी आपको एडिशन वगैरह करना है। तो मैट ए इंटू मैट बी मैंने किया और इक्वल टू प्रेस करो, आपको कंप्लीट आंसर सेव हो गया। अगर सपोज ये आंसर चला जाता है तो नो प्रॉब्लम, शिफ्ट
फोर जो भी आपका लास्ट कैलकुलेशन का आंसर था वो आपका मैट आंसर में सेव है, तो सिक्स प्रेस करता हूं इक्वल टू बात करता हूं तो आपको आंसर मिल गया -11 2 -16 2, ये आपका आंसर मिल गया। आप इधर आगे अलग अलग जगह पर मूव कर सकते हो फ्रेंड्स। अभी हम देखते हैं थ्री रो थ्री कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सपोज ये तीन मेरे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी, तीनों का ऑर्डर है थ्री रो थ्री कॉलम। अभी इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपका जो फाइनल आंसर है उसका भी ऑर्डर आपका थ्री रो थ्री कॉलम आ जाएगा और ये आपको आंसर आ जाएगा। अभी यही कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं ये हम अभी देखेंगे। तो मैट मेनू मेरा ऑलरेडी ओपन है तो अभी मैं डायमेंशन सेट करता हूँ शिफ्ट फोर, डायमेंशन के लिए मैं वन प्रेस करूंगा। पहले मैट्रिक्स का डेटा सेट करना है तो वन प्रेस करो, डायमेंशन है मेरा 3x3 तो वन प्रेस करो। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 0 आता है तो आपको 0 पुट करना है तो पुट करो, नहीं तो आपकी वैल्यू पुट करते चलो। मेरा वैल्यू है 2 = 0 = 0 = 2 = 0 = 2 = 0 = 0 = 1, ये आपका डेटा है ए मैट्रिक्स का डेटा हो गया। अभी मुझे बी मैट्रिक्स का डेटा डालना है तो डायरेक्ट शिफ्ट और फोर प्रेस कर सकते हो या एसी बटन प्रेस करके आप जा सकते हो। शिफ्ट फोर डायमेंशन सेट करना है बी मैट्रिक्स का तो 2 प्रेस करो, डायमेंशन है मेरा 3x3 तो 1 प्रेस करता हूँ, बी मैट्रिक्स का डेटा में स्टोर करता हूँ। -1 = 0 = 0 = 0 = -1 = 0 = 0 = 0 = 1, यह आपका डेटा मैंने बी मैट्रिक्स का डेटा स्टोर कर दिया। अभी मुझे नेक्स्ट मैट्रिक्स का तो फिर से एसी प्रेस कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट मैं शिफ्ट और फोर प्रेस करता हूँ। डायमेंशन मुझे सेट करना है तो 1 पे मैं जाता हूँ, 3 प्रेस करता हूँ। थर्ड मैट्रिक्स का डायमेंशन मैंने सेट कर लिया, अभी थर्ड मैट्रिक्स का वैल्यू में स्टोर करता हूँ 1 = 0 = 0 = 0 = 1 = 0 = 1 = सी मैट्रिक्स का डेटा भी स्टोर हो गया। ओके अभी मैं एसी बटन प्रेस करता हूँ क्योंकि अभी तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन है कि आपने बराबर डेटा डाला है क्या, नहीं तो मैट्रिक्स में कौन सा डेटा है, तो आप फिर से शिफ्ट फोर प्रेस करोगे तो यहाँ पर डेटा पे जाना है, आपको डेटा देखना है कि मैट्रिक्स में क्या डेटा है। मुझे ए मैट्रिक्स का डेटा देखना है तो 2 प्रेस करता हूँ, डेटा पे गया, कौन से मैट्रिक्स का डेटा देखना है तो मैं 1 प्रेस करता हूँ क्योंकि पहले मैट्रिक्स का डेटा देखना है। 1 प्रेस किया, आपको वो डेटा दिख गया कि आपने क्या वैल्यू डाला था, आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। मुझे अभी मल्टीप्लिकेशन करना है तो एसी बटन प्रेस किया, शिफ्ट 4 मल्टीप्लिकेशन करना है ए बी सी, तो ए मैट्रिक्स 3 पे इन टू शिफ्ट 4 बी मैट्रिक्स 4 में इन टू शिफ्ट 4 सी मैट्रिक्स 5 में, तो 5 मैंने पुट कर लिया, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी हो गया। इक्वल टू प्रेस करो तो आपको टोटल आंसर मिल गया -2 0 0 0 -2 0 1 1 1, ये आपको आंसर मिल गया। अभी फिर से ये जो आंसर है ये आपका आंसर मैट्रिक्स में सेव होता है, मैट आंसर में वो डेटा सेव है, उसको फिर से मुझे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट 4 ए मैट्रिक्स से फिर से उसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं मुझे भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो डिलीट प्रेस करो, शिफ्ट 4 बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, मैट आंसर इंटू मैट बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि इंडायरेक्टली आप 4 मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ये आंसर अभी आपके आंसर मैट्रिक्स में अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है।